नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपकी एक बात में, जहां पे मैं आपको अपने देश की, विदेश की, प्रदेश की नई नई जानकारी और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों और विचारों को आपके साथ साझा करूंगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए, हमें अपने कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अपनी बहन सुभद्रा और दाव बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर आज भी उनके कुछ रहस्य ऐसे हैं कि जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 वर्ष में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पुरी के पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को CRPF की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में भी पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। संभवतः ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 वर्ष में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उस अलौकिक पदार्थ को हाथ में लिया तो वह कुछ खरगोश के जैसा उछल रहा था, क्योंकि हमारी आंखों में पट्टी थी एवं हाथ में दस्ताने थे तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देंगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता और न ही कोई उसके शिखर पर बैठता है। इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपको आपकी मुंह की तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के साथ बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो देखा मित्रों, ये थे भगवान श्री जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें। आप पर और आपके परिवार पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा सदा बनी रहे। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में एक नए विषय की नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार कीजिए और नए नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।